Subscribe and press the bell icon for latest update. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज यमुना घाटी के गंगनानी में पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक एवं पौराणिक सांस्कृतिक तीन दिवसीय कुंड की जातर बसंत मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने पौराणिक मेले को पहाड़ की धरोहर बताया। इस मौके पर सीएम ने 131.51 लाख की लागत से तैयार एक योजना का शिलान्यास भी किया, साथ ही 8,049.70 लाख की लागत से तैयार 18 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान क्या कहा केदार सिंह रावत ने, सुनिए। सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही है। मैं तो इस क्षेत्र के लिए जो चकबंदी का जो हमारा मूल मंत्र है, क्योंकि यहाँ के जो खेत है वो छितरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और जिस प्रकार के आप 50 हेक्टर की बात कर रहे हैं या 100 हेक्टर की बात कर रहे हैं, एक जगह पे हमारे कहीं किसी भी क्षेत्र में किसी के पास 50 हेक्टर जमीन नहीं है। अगर सबसे पहले अगर यहाँ के क्षेत्र के पलायन को रोकना है, यहाँ के फसल की आमदनी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो यहाँ का जो मूल मंत्र है वो चकबंदी है। स्वैच्छिक चकबंदी यहाँ पर नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि चकबंदी के लिए उत्तराखंड के अंदर एक विशेष कानून बनना चाहिए, ताकि यहाँ के जो छितरे हुए खेत हैं वो एक जगह पे आ जाए और सरकार की ओर से वहां पर। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि घोषणाओं को 100% पूरा नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो घोषणा नहीं करते। यही कारण है कि वो खुद अपने साथ शासनादेश साथ लेकर आए हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।